नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 23। आज की जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन वो है मेंसुरेशन से रिलेटेड, और ये बहुत ही कॉमनली आस्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन है, लगभग हर साल एग्जाम में आता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को है क्या, और ये क्वेश्चन आप कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं। फिर हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि इसके पीछे क्या स्टोरी थी। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द साइड्स आर √3 cm, 2√3 cm एंड 5√3 cm। पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। यह है ट्रायंगल और यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होगी जिसकी तीनों साइड बराबर होगी। ये बोला गया कि कोई इंटीरियर में पॉइंट है। इंटीरियर का मतलब ये नहीं है कि कोई मिड पॉइंट में, किसी भी जगह पे यहाँ पे इंटीरियर में पॉइंट है, और उससे जो तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं √3, फिर है 2√3, एक 2√3 है और एक है 5√3। अब ये तीन चीज दे दी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, हमें बताना है कि इसका ये पैरामीटर क्या होगा। ये वाला पैरामीटर क्या होगा, कौन सा, ये निकालना आपको। कई बार इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ साइड पूछ लेते हैं कि साइड कितनी होगी, लेकिन अंदर ये इस तरह की चीजें मिलेगी आपको, और हमेशा आपको √3 भी मिलेगा, बस यहाँ पे आगे वाले अक्षर है वो चेंज होते हैं। और इस क्वेश्चन का हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके आगे कितना है, 1, 2 और 5, 5 और 2 7 और 1 8, ये कितना हुआ 8। 8 को हम 2 से गुना करेंगे, ये साइड आ जाएगी 16। अगर साइड पूछी है तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर पैरामीटर पूछा है तो 16 × 3 कितना होगा, 48। सी इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ये आए कहाँ से, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, फिर वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि 5 और 2 7 और 1 8, 8 × 2 = 16 साइड आ जाएगी, और उसको 3 से गुना करेंगे इसका पैरामीटर आ जाएगा। अगर इसकी जगह पे ये हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 7 हो, तो क्या हो जाएगा आंसर, 7 और 5 = 12, 8 + 2 = 14, 2 = 28 है, साइड हो जाएगी, और 28 × 3 = 84 है वो इसका पैरामीटर हो जाएगा। और अगर कोई कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं जब हमारे पास साइड हो। तो यहीं पे जो फिगर होते हैं वो चेंज होते हैं। आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं होते, आमतौर पे आपको यहाँ पे आएंगे नहीं कभी भी चेंज, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में हो जाएगा फिर पूरी तरह से, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देने का मकसद था वो डिफीट हो जाएगा, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं फिर। अब हम देखते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्या बना हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये चीज आई कहाँ से, मैंने क्या किया है। देखो इसका एरिया कितना होता है, अगर मैं एरिया निकालू इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसको मान लेता हूं मैं साइड ए, ये हो जाएगा एरिया इसका √3/4a² इसका एरिया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये सब जानते हैं, ए इसकी साइड है। अब देखो अगर मैं यहां पे, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है इसमें, और ये भी परपेंडिकुलर है इसमें, तो तीन हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होगी, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ और ये साइड दी हुई है। तो देखो क्या होता है एरिया, अगर मैं सिर्फ इसी का एरिया निकालू, अलग अलग का एरिया निकालू, इसका एरिया कितना होगा, सिर्फ इसका निकालू तो क्या होगा, 1/2 एरिया बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है √3, फिर क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है इस केस में 2√3, और तीसरे में क्या 1/2 और बेस कितना है a, और हाइट कितनी है 5√3, 5√3। अब मैं इसको कॉमन ले सकता हूं 1/2 a और √3, क्योंकि √3 सब में है, इसलिए मैंने बताया था √3 ये आ रहा है, ठीक है। जब कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या रहेगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका 5 हो जाएगा, ये कॉमन अंदर बच जाएगा, और इस साइड क्या बना हुआ है √3/4a² a × a भी लिख सकता हूं मैं, a², तो a से तो a कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और √3 से √3 कैंसिल। देखो ये √3 इसलिए था यहाँ पे ताकि ये कैंसिल हो जाए, इसलिए फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, तो √3 के यहाँ पीछे कोई स्टोरी इसलिए बन रही है। अब a किसके बराबर होगा, a हो जाएगा 2 और 1 + 2 + 5, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो 2 ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि ये √3/4 तो होना ही होना है, 1/2 कॉमन आएगा, क्योंकि 1/2 बेस
बेस तो है ही है, ये चीजें सारी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट ही होगी अगर रूट थ्री होगा वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट हो गई है, इसलिए ये इतना पोर्शन है ना वो कॉन्स्टेंट होगा। ए इज इक्वल टू टू इन टू, अब ये जो वेरिएबल पोर्शन है एक दो, इस केस में क्या है पांच से दो सात रिकॉर्ड, ये आप आठ से उसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जाएगा 16, ये मैंने आपको बताया था। अब 16 ये आ गया तो ऑब्वियसली फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पैरामीटर निकालना है तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या मैसेज दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो इन तीनों ट्रायंगल के जोड़ के बराबर होता है, और हमारा जो बेस है वो सेम है सबका, और रूट थ्री वन बाई टू बेस और रूट थ्री भी कॉमन है सब में, तो अंदर हमारे पास ये बच जाएगा। अब आप इस पूरी स्टोरी को करने के बजाय क्या कर सकते थे, ये आखिरी स्टेप कर सकते थे पूरी स्टोरी करने के बजाय, तो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में यही तो करते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं किसको है। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध करके लगे रहो, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं, स्कोर कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। आप स्मार्ट ऑब्जर्वेशन कीजिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट की, और देखिए आप अपने हिसाब से कैसे शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने इसे बनाया, आप इस तरह क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको जो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये शॉर्टकट है या इसके पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया वो आपको चीज़ समझ में आई होगी, और आप जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दूं कि अब ये दो है ये पाँच है और ये आठ है, बताओ इसका पैरामीटर कितना होगा, तो आप बहुत जल्दी ही इसको निकाल देंगे। इस सीरीज में हम लोग मैथ को ईजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट है एक एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।